वेलकम टू इम्प्रोवाइज लर्निंग पॉइंट। आज हम इम्प्रोवाइज लर्निंग पॉइंट में जिस टॉपिक के साथ हैं, वो आप सभी देख रहे हैं, स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज। ये हमारा टॉपिक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है और एकेडमिक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसको याद करने के लिए हम बहुत ही अच्छी ट्रिक लेकर आए हैं। और आज तक आपने ऐसी ट्रिक किसी भी यूट्यूब चैनल पर नहीं देखी होगी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज, वैसे आपको पता होगा स्केलर क्वांटिटीज क्या होती हैं, वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती हैं। स्केलर क्वांटिटीज उन क्वांटिटीज को कहते हैं हम जिसके अंदर सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। वेक्टर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जिसके अंदर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं। तो देखते हैं, स्केलर क्वांटिटी को अदिश राशि कहते हैं और वेक्टर क्वांटिटी को सदिश राशि कहते हैं। अदिश राशि स्केलर क्वांटिटीज, इनके अंदर जितनी भी क्वांटिटीज आ जाती हैं उनको हमने यहाँ पे लिस्ट आउट किया है। इसके सिवाय और भी हैं जिसको आप इंक्लूड कर सकते हैं, बट मैक्सिमम हमने उनको चूज किया है जो फ्रीक्वेंटली एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो एक बार देखते हैं कौन कौन से स्केलर क्वांटिटीज हैं। डिस्टेंस, टाइम, मास, वॉल्यूम, टेम्परेचर, स्पीड या एवरेज स्पीड, प्रेशर, डेंसिटी, वर्क, वर्क डन, एनर्जी, पावर, विस्कोसिटी, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अगर कोई भी टर्म होगी जो कि कांस्टेंट होगी, जिसके वैल्यू में चेंज नहीं होगा, तो वो स्केलर क्वांटिटी ही होगी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, इंटेंसिटी, एंट्रोपी, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक चार्ज, मैग्नेटिक फ्लक्स, पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस, इंडक्टेंस, कंडक्टेंस, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। तो फ्रेंड्स, हमने इतनी क्वांटिटीज को यहाँ पे लिस्ट आउट कर दिया है और आई थिंक ये किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए एनफ है। हाँ, जो भी एक दो अगर बचे होंगे या कुछ बचे होंगे उनको आप एड अप कर सकते हैं और हमारी ट्रिक को मॉडिफाई कर सकते हैं या उसी ट्रिक पे अप्लाई करके याद कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं एक बार वेक्टर क्वांटिटीज कौन कौन सी हैं जो फ्रीक्वेंटली एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, डायपोल मोमेंट, फोर्स, बाय एंड फोर्स, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वेट, थ्रस्ट, इम्पल्स, टॉर्क, फ्रिक्शन या फ्रिक्शनल फोर्स, ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। तो फ्रेंड्स, हमने उन्हीं को कवर किया है जो फ्रीक्वेंटली एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और आई थिंक मोस्टली इनमें कवर हो चुके हैं। तो अब हम ट्रिक देखते हैं कि ट्रिक्स क्या है। पहला ट्रिक है हमारा, आपको याद रखना है वी। अब वी चाहे तो वीई हम कह सकते हैं, चाहे डब्ल्यू ई को हम वी कहते ही हैं, तो ये आपको याद रखना है। अब हमारा ट्रिक क्या है इससे कि अगर कोई भी हो जो वीई या डब्ल्यू ई से स्टार्ट हो वो वेक्टर क्वांटिटी में आ जाएगा। आप रिलेट भी कर सकते हैं, वीई से वेक्टर शुरू हो रहा है, वीई सी टी ओ आर, तो वीई हमें याद रखना है कि वीई से स्टार्ट होने वाला, चाहे डब्ल्यू ई से स्टार्ट होने वाला वेक्टर क्वांटिटी ही होगा। अब इसको आप वेरीफाई कर सकते हैं। अगर हम स्केलर क्वांटिटी में देखें तो कोई भी क्वांटिटी यहाँ पे ऐसी नहीं है जो डब्ल्यू ई या वी ई से स्टार्ट हो रही है, आप देख सकते हैं। तो पहला ट्रिक आपको समझ में आ गया। अगर वेक्टर क्वांटिटी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए कि वी ई है वेलोसिटी, तो वेलोसिटी वी ई से शुरू होगी तो डेफिनेटली ये वेक्टर क्वांटिटी में आ जाएगा। देन वी डब्ल्यू ई से स्टार्ट हो रहा है हमारा यहाँ पे वेट, तो वेट डब्ल्यू ई से स्टार्ट होगा तो वेट भी हमारा वेक्टर क्वांटिटी है। तो इस तरीके से, इस ट्रिक से आपको ये दो याद हो जाएगा, वेलोसिटी हो या एवरेज वेलोसिटी हो या वेट हो, तो ये वेक्टर क्वांटिटीज में है। नेक्स्ट आपको याद रखना है ये देखिए, मोटो फोटो, मोटो फोटो या मोटू फोटू, कुछ भी जैसा आपको इजी लगे आप याद कर सकते हैं। अब जिनकी भी स्टार्टिंग एम ओ से हो या टी ओ से हो या एफ ओ से हो, ठीक है, ये टी ओ हमने यहाँ पे रिपीट कर दिया है मोटो फोटो कहने के लिए। जस्ट आपको क्या याद रखना है, एम ओ टी ओ एफ ओ, इनसे कोई भी वर्ड अगर स्टार्ट होता है
तो वो वेक्टर होगा। वेरीफाई कर सकते हैं, स्केलर में देखिए कोई भी ऐसी क्वांटिटी नहीं है जो एम ओ से स्टार्ट हो रही हो या टी ओ से स्टार्ट हो रही हो या एफ ओ से स्टार्ट हो रही हो, कोई भी आपको इसमें क्वांटिटी नहीं दिखेगी जो इनसे स्टार्ट हो रही हो। तो अब इसमें आते हैं हम, मोमेंटम, मो से स्टार्ट हो रहा है एम ओ, तो मोमेंटम हमारा वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा। फो, फो से हमारा फोर्स स्टार्ट हो रहा है, फोर्स, तो फोर्स भी हमारा क्या हो जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा। देन टी ओ से स्टार्ट हो रहा है हमारा टॉर्क, टॉर्क, तो टॉर्क भी आपको याद हो जाएगा टी ओ से टॉर्क। तो मोटो फोटो याद रखेंगे तो मोमेंटम, टॉर्क एंड फोर्स, फोर्स कैसा भी फोर्स हो, सारा जो सारे फोर्स होते हैं वो वेक्टर क्वांटिटीज में आ जाते हैं। बट अगर हम बात करें यहाँ पे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की, एक ऐसा भी फोर्स है जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, तो ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है ये हमारा स्केलर क्वांटिटी में आएगा। ये आपको याद रखना है कि एक फोर्स ऐसा है जो वेक्टर नहीं है, स्केलर है, वो कौन सा है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। नेक्स्ट देखते हैं, फील्ड या मेंट आपको याद रखना है कि जिस वर्ड में भी फील्ड या मेंट आ जाए, फील्ड या मेंट आ जाए वो वेक्टर क्वांटिटीज होंगे। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, मोमेंटम, डिस्प्लेसमेंट, मोमेंटम, डायपोल मोमेंट, यानी कि ये मेंट मेंट मेंट, यहां से मेंट से आपको थ्री याद हो जाएगा, थ्री क्वांटिटीज जो कि हैं, ये डिस्प्लेसमेंट है, मोमेंटम है एंड डायपोल मोमेंट है। तो आपको ये याद हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, हाँ ये देखिए, वीर भाई आज मोटो की फोटो फुल इम्प्रेसिव थी, फील्ड फुल इम्प्रेसिव थी, ऐसा किसने बताया, फील्ड मैन ने बताया। मोटो की फोटो मतलब मोटो का फोन आ रहा है आजकल, तो उसकी जो फोटो है वो फुल इम्प्रेसिव थी, ऐसा किसने बताया, फील्ड मैन ने बताया, क्योंकि फील्ड मैन के पास रिकॉर्ड होता है कि भाई कितने लोग इंटरेस्टेड हैं इस फोटो में, मतलब इस मोटो की फोटो में, और कितने लोग नहीं इंटरेस्टेड हैं, फोटो से ही फोन का लुक देखने को पता चलता है। तो ये जस्ट हमने एक स्टोरी क्रिएट की है जिसमें हमने ये सारे इंक्लूड कर लिए हैं जो ऊपर के तीन पॉइंट्स हैं। वीई, तो सेम इसका कॉन्सेप्ट मैं आपको ऑलरेडी समझा चुकी हूँ। वीई से हमें ये याद रखना है कि वीई या डब्ल्यूई से जो स्टार्ट हो वो वेक्टर क्वांटिटी है। अब भाई, भाई में है बी, अब इस बी को आपको रिलेट करना है बाय एंड फोर्स। अब एक्चुअली में ये तो फोर्स है और मैंने आपको बोल दिया कि कोई भी फोर्स हो वो वेक्टर क्वांटिटी होता है एक्सेप्ट इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इसको छोड़ के। तो बाय एंड फोर्स, अगर आप इस फोर्स को याद रखेंगे तो नेचुरली आपको याद होगा कि बाय एंड फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है। नहीं तो अगर बाय एंड की अगर हम बात करें तो ये जो बाय एंड फोर्स की, तो बी से स्टार्ट हो रहा है तो इसलिए हमने ये बी ले लिया है। देन ए, अगर कोई भी चीज ए से स्टार्ट हो रही हो तो वो भी हमारा वेक्टर क्वांटिटी में ही होगा। यहां हम एक बार वेरीफाई कर लेते हैं, ए से देखिए, इसमें से ए से अगर हम देखें तो कोई भी ए से स्टार्ट नहीं हो रहा। ये जो एवरेज एवरेज स्पीड है इसको आप स्पीड ही काउंट करेंगे, तो इसलिए इस ए को कंसिडर नहीं करेंगे आप। देन ए से इधर अगर देखें आप, कोई भी ऐसी क्वांटिटी नहीं है जो कि ए से स्टार्ट हो रही हो, तो ये भी डेफिनेट आपको पता चल गया कि अगर ए से स्टार्ट हो रही हो तो वो भी हमारा क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी होगा, चाहे वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो, चाहे वो एक्सेलरेशन हो। देन आज मोटो, ये मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूं, एम से हो जाएगा आपका मोमेंटम, टी से हो जाएगा आपका टॉर्क, देन एफ से हो जाएगा फोर्स, एनी फोर्स, कोई भी फोर्स होगा एक्सेप्ट इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। देन फुल, एफ से क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे एफ से ये है फ्रिक्शन। अब फ्रिक्शन भी फ्रिक्शन फोर्स होता है, इस फोर्स को देखकर ही आपको पता चल जाएगा कि अगर फोर्स है तो वो वेक्टर है, बट हमने एफ ये इंक्लूड कर दिया है फ्रिक्शन के लिए। देन इम्प्रेसिव, इम्प्रेसिव से आई एम पी जो है ये है आपका इम्पल्स, आई एम पी से आपको याद रखना है इम्पल्स।
एंड टी से, टीएच लेकर आपको याद रखना है, टीएच से क्या होगा, थ्रस्ट, टीएच से थ्रस्ट, फील्ड यानी जिसमें भी फील्ड आ जाए, एक्सेप्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। देन मैन, अब इसको आप मैन कह लें या मेंट कह लें, इस स्टोरी को मीनिंगफुल बनाने के लिए मैंने यहाँ पे मैन लिया है, अदरवाइज यहाँ पे ये जो मेंट है इसके लिए ही मैंने यहाँ पे मैन वर्ड यूज किया है। तो अगर आप ये स्टोरी याद कर लें, वीर भाई आज मोटो की फोटो फुल इंप्रेसिव थी, ऐसा किसने बोला, फील्ड मैन ने बोला। तो वीर से मतलब कि डब्ल्यू ई से, चाहे वी ई से जो स्टार्ट हो वेक्टर होगा, बी से बाय एंड फोर्स, ए से एक्सेलरेशन या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एम से मोमेंटम, टी से टॉर्क, एफ से फोर्स, देन टी ओ से अगेन टॉर्क, देन एफ से हमारा आ जाएगा फ्रिक्शन फोर्स, देन ई आई एम पी से इम्पल्स, टी एच से थ्रस्ट, देन फील्ड, फील्ड से जिसमें मतलब फील्ड आ जाए वो हमारा वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा, और एम ई एन जिसमें आ जाए या एम ई एन टी जिसमें आ जाए। तो इस तरीके से आप ये देखेंगे कि ये सारे जो वेक्टर क्वांटिटीज हैं वो इस ट्रिक से कवर हो गए। तो जिस वर्ड में भी अगर ये ट्रिक हमारा अप्लाई नहीं होता है, बस आप ये समझ लेना कि वो स्केलर क्वांटिटी है। तो आई थिंक आप लोगों के लिए ये हमारा वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, ऐसा वीडियो आपने कहीं नहीं देखा होगा, और इसको बहुत डिफरेंट डिफरेंट जगह से कलेक्ट करके इंफॉर्मेशन को ये हमने बनाया है आपके लिए। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लग रहा है प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताएं।